अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ आमिर। आई एम फ्रॉम एनसीपी नेटवर्क। एक्चुअली मैंने एक लैब डिज़ाइन की है आप लोगों के लिए, जो सीसीएनए के कॉन्सेप्ट को ब्रशअप करना चाहते हैं लैब पॉइंट ऑफ व्यू से। अक्सर क्या होता है कि सीसीएनए करने के बाद हम जॉब करने लगते हैं, साल 2 साल के बाद जब सीसीएनपी करना चाहते हैं तो हम सीसीएनए के जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे वो हम भूल चुके होते हैं। तो इसी चीज़ को सोचते हुए समझते हुए मैंने एक लैब डिज़ाइन की है, जिसके थ्रू आप अपने हाथ से राउटर स्विचेस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं विद लैब मैनुअल के साथ। तो आइए, वो लैब हमें कैसे एक्सेस मिलेगी, कहाँ से जाके हम एक्सेस कर सकते हैं, तो उसके लिए आपने ncpnuggets.com के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा कैटेगरी का, और यहाँ पर ऑनलाइन लैब रेंटल, इस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर आने के बाद आपने एक्सप्लोर करना है। एक्सप्लोर के अंदर एक ये मास्टर टॉपोलॉजी है जिसके ऊपर हम मल्टीपल टास्क कर सकते हैं। एक्चुअल तो इस लैब का जो प्राइस है वो मैंने 2000 रुपये रखा था, लेकिन एज ए इंट्रोडक्टरी लेवल के ऊपर इसका अभी प्राइस मैंने 1000 रुपये किया हुआ है। इस मास्टर टॉपोलॉजी के अंदर जो हम टास्क कर सकते हैं वो मल्टीपल टास्क कर सकते हैं। हम यहाँ पर स्टैटिक राउट कर सकते हैं, डिफॉल्ट राउट कर सकते हैं, होस्ट राउट अप्लाई कर सकते हैं, RIP कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, OSPF कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, EIGRP, BGP, ACL, स्टैटिक नेट, डायनेमिक नेट, पैट, रिडंडेंसी प्रोटोकॉल HSRP, VPN में GRE, DHCP, VLAN एंड VLAN मेंबरशिप, VTP, पोर्ट सिक्योरिटी, राउटर ऑन स्टैक, SVI, STP, PVSTP, RSTP, ईथरनेट। इसके अलावा अगर आप कुछ और भी करना चाहते हैं तो इस डायग्राम के ऊपर आप कुछ और भी लैब परफॉर्म कर सकते हैं। इतनी जो मैंने लैब आपको यहाँ पर बताई है, इसका मैंने डॉक्यूमेंटेशन भी तैयार किया हुआ है कि आपको स्टैटिक राउटिंग करनी है तो उसका सिंटैक्स क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, किस तरह से आप स्टैटिक राउट करेंगे, डिफॉल्ट राउट आप कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, होस्ट आउट कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, OSPF कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, उसकी आउटपुट कैसे आप देखेंगे, नेबरशिप कौन सी कमांड के थ्रू देखी जाएगी। तो जितनी भी यहाँ पर मैंने ये 23 यहाँ पर लैब हैं, 23 यहाँ पर टास्क हैं, उनको आप परफॉर्म कर सकते हैं इस मास्टर टॉपोलॉजी के ऊपर। इस मास्टर टॉपोलॉजी के अंदर आपको लैब का डॉक्यूमेंट भी दिया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप आप कैसे स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर करेंगे, OSPF कॉन्फ़िगर करेंगे, जितने भी तरह के वहाँ पर टास्क हैं उन सब टास्क को करने के लिए एक प्रॉपर वहाँ पर मैनुअल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जब आप लैब करेंगे और लैब में कोई प्रॉब्लम आती है डिवाइस से रिलेटेड, जैसे अगर आपने कोई राउटर ऑन किया वो राउटर ऑन नहीं हो रहा, या ऑन किया ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है, या कुछ और इशू है राउटर स्विच से रिलेटेड, तो आप मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या डायरेक्ट टेलीफोन कर सकते हैं। अगर कोई कैंडिडेट चाहता है कि मैं पहले ट्रायल लेना चाहता हूँ, मोस्ट वेलकम, आप हम उसको 1 आवर का फ्री ट्रायल देंगे। ट्रायल देने के बाद अगर वो सेटिस्फाई होता है तो पेमेंट करे, पेमेंट करने के बाद आप इस लैब को एक्सेस कर सकते हैं। लैब एक्सेस करने का जो तरीका है वो आपने यहाँ पर आना है, और यहाँ पर एक लिंक दे रखा है मैंने, rack.ncpnetwork.com, इस पर क्लिक करेंगे। और किसी को मेरे को व्हाट्सएप पे चैट करनी हो तो इस लिंक पे क्लिक करें, टेलीग्राम पे चैट करनी हो तो इस लिंक पे क्लिक करें। तो लैब एक्सेस करनी है आपने तो यहाँ पर आपने लिखना है rack.ncpnetwork.com। जैसे आप ये rack.ncpnetwork.com पे क्लिक करेंगे आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पर आपने यूजर नेम पासवर्ड अप्लाई करने हैं। यूजर नेम पासवर्ड मैं आपको प्रोवाइड करूंगा आफ्टर दी पेमेंट, जब आप पेमेंट मुझे कर देंगे और उसका स्क्रीनशॉट मेरे को व्हाट्सएप कर देंगे तो मैं आपको यहाँ पर आपका यूजर नेम प्रोवाइड करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको यूजर नेम प्रोवाइड किया और उसका पासवर्ड मैंने आपको दिया, जब आप यूजर नेम पासवर्ड अप्लाई करेंगे तो उसके बाद हम देखेंगे कुछ इस टाइप का आपको इंटरफेस यहाँ पर नजर आएगा।
ठीक है, ये एक लैब डायग्राम आपको खुला हुआ नजर आएगा, हो सकता है कि ये ओपन ना हो सकता है कि इस तरह से कुछ यहाँ पर ये क्लोज हो इस तरह से। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद उसको आपने ओपन कर लेना है। इन सभी डिवाइस को आप स्टार्ट करना चाहते हैं काम करने के लिए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे सेटअप नोड और यहाँ पर है स्टार्ट ऑल नोड, आप इस पर क्लिक कीजिए तो आपकी जो सारी डिवाइसेस हैं वो क्या हो जाएंगी, स्टार्ट हो जाएंगी। और वन बाय वन करना चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, किसी भी डिवाइस पे गए, यहाँ क्लिक किया, आप यहाँ पर गए, यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर गए, यहाँ पर क्लिक किया, तो हम डिवाइस को वन बाय वन भी क्लिक कर सकते हैं। जितना टास्क करना चाहते हैं हम उतनी ही डिवाइस को ऑन करें तो ज़्यादा बेटर है। तो ये सारी डिवाइसेस स्टार्ट हो रही हैं, अगर डिवाइसेस स्टार्ट हो जाती है आपकी तो वो ब्लू कलर की आपको नजर आएगी, और कोई डिवाइस स्टॉप है तो आपको वो ग्रे कलर की नजर आती है। अब राउटर नंबर वन का आपने सीएलआई मोड ओपन करना है, तो आपने सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है, आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक उसका सीएलआई मोड नजर आ जाएगा, राइट, ये उसका सीएलआई यहाँ पर ओपन होने वाला है। ऐसे ही राउटर नंबर टू को लॉगिन लेना है आपने, तो यहाँ क्लिक कीजिए, राउटर नंबर टू का सीएलआई मोड ओपन हो जाएगा। राउटर नंबर थ्री को ओपन करना है आपने, यहाँ क्लिक कीजिए, राउटर नंबर थ्री का सीएलआई मोड ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से हम राउटर के सीएलआई मोड ले सकते हैं। सीएलआई मोड लेने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर हमने एक सीसी यानी कि लैब वर्क बुक आपको दे रखी है, आप इस पे क्लिक करेंगे, ये आपकी लैब वर्क बुक है, इसको आप यहाँ पे क्लिक कीजिए ताकि ये बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो गया, और इसको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, जहाँ पर भी छोटा बड़ा करके आप रखना चाहते हैं इसे। ये आपकी एक वर्क बुक है और ये डिज़ाइन की गई है उन लोगों के लिए जो सीसी यानी के कॉन्सेप्ट को रिफ्रेश करना चाहते हैं लैब पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये एक प्रॉपर एक डायग्राम है, इस डायग्राम के ऊपर हम मल्टीपल लैब कर सकते हैं, ये सारी लैब्स हैं जो इस डायग्राम के ऊपर परफॉर्म की जा सकती हैं। कौन कौन सी लैब है, हम इस डायग्राम के ऊपर स्टैटिक राउट की लैब परफॉर्म कर सकते हैं, डिफॉल्ट राउट, पोस्ट राउट, ये सारी लैब हैं जो हमने यहाँ मेंशन की हैं, ये सारी परफॉर्म होंगी। और इस वर्कबुक के अंदर इन सभी लैब्स की डॉक्यूमेंटेशन है विद स्नैपशॉट के साथ में। स्क्रॉल करते हैं तो सबसे पहले जब हम किसी भी राउटर को लॉगिन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो कुछ इस तरह का वो आपसे यहाँ पर डायलॉग पूछता है। इसको अगर आप बड़ा करना चाहते हैं, छोटा नजर आ रहा है, तो प्लस का पॉइंट है, आप इसको जूम लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ आता है कि राउटर के ऊपर वुड यू लाइक टू द एंटर इनिशियल कॉन्फिगरेशन डायलॉग, तो हमें यहाँ पर क्या प्रेस करना चाहिए, तो हमने बोला कि डू नॉट टाइप यस, टाइप क्या करना है, नो टाइप करना है। जैसे ये रहा हमारे पास ये रहा टर्मिनल, यहाँ पर क्लिक किया, जैसे ये राउटर नंबर थ्री है इस पे ये आ रहा है, तो आपने क्या करना है यहाँ पर नो टाइप करना है और एंटर मार देना है। जब नो टाइप करके जब एंटर मार देते हैं आप, तो आपको राउटर का कुछ इस टाइप का इंटरफेस नजर आता है, इस इंटरफेस को या इस मोड को हम बोलते हैं यूजर एग्जेक मोड, ठीक है। इस मोड पर आने के बाद हम करते हैं इनेबल टाइप, ई एन ए बी एल, इनेबल यहाँ पर लिखा है, देखिए इनेबल, इनेबल टाइप करेंगे, जब इनेबल टाइप करके आप एंटर मारेंगे तो आपके राउटर का जो मोड है वो क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, अब ये वाला मोड आ जाएगा, इस मोड को हम बोलते हैं प्रिविलेज मोड, ये प्रिविलेज मोड आ गया। प्रिविलेज मोड पे हम क्या टाइप करेंगे, कॉन्फिगर स्पेस टर्मिनल, यहाँ पर टाइप करेंगे कॉन्फिगर स्पेस टर्मिनल, कॉन्फिगर स्पेस टर्मिनल, ये आपको टाइप करना है। जैसे आप ये टाइप करेंगे तो हम देखेंगे राउटर का मोड चेंज हो गया, और ये जो मोड कहलाएगा इस मोड को हम बोलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, राइट। तो मैक्सिमम जो कॉन्फ़िगरेशन होती है राउटर के ऊपर वो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर ही की जाती है। अब फॉर एग्जांपल हमें राउटर का नाम चेंज करना है, ये कौन सा राउटर है, राउटर नंबर थ्री है जो येलो कलर हो रहा है, राइट, ये राउटर नंबर टू है, तो राउटर नंबर थ्री का मुझे नाम चेंज करना है, तो कमांड होती है एच ओ एस टी होस्ट एन एम ई नेम और R3, ये राउटर का नाम चेंज हो गया, ठीक है। तो ये एक टास्क था कि हम राउटर का इनिशियल सेटअप कैसे करें, तो हम कैसे कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टास्क होता है कि हाउ टू कॉन्फ़िगर आईपी एड्रेस ऑन R1 R2 एंड R3। डायग्राम की अगर हम बात करते हैं, यहाँ क्लिक कीजिए, इसको मिनिमाइज कर लीजिए, राउटर वन टू एंड थ्री, तो राउटर नंबर वन के ऊपर मुझे आईपी कॉन्फ़िगर करनी हो तो क्या प्रोसेस है, उसका क्या तरीका है, आपने पहले इनेबल कमांड चलानी है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे जाना है, होस्ट नेम चेंज करना है और इंटरफेस के नाम लिखने हैं, आईपी डालना है और नोसेट करना है, ठीक है। तो ये एक आईपी कॉन्फ़िगर होगा इतना काम करने से। दूसरा आईपी कॉन्फ़िगर करना है आपने, तो
यहाँ से यहाँ तक की कमांड टाइप कीजिए, राउटर वन के ये दूसरा आईपी कॉन्फ़िगर हो जाएगा। ये तीन आईपी हैं राउटर नंबर वन के ऊपर। गिग 0/2 के ऊपर 172 का आईपी एड्रेस है, गिग 0/0 के ऊपर 12 का आईपी एड्रेस है, और गिग 0/1 के ऊपर 192 का आईपी है। तो गिग 0/1 के ऊपर 192 का आईपी, ये तीनों आईपी आपने कॉन्फ़िगर करने हैं। कैसे करेंगे कॉन्फ़िगर, आइए देख लेते हैं। राउटर नंबर वन पे आते हैं, यहाँ वन पे क्लिक किया, और आप आईपी कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो आपने इनेबल करना है कॉन्फ़िगर टर्मिनल, शॉर्ट में कॉन्फ़िग टीवी कर सकते हैं। उसके बाद इंटरफेस गिग 0/2, कौन सा गिग 0/2 है, आपको डायग्राम भी नजर आना चाहिए, डायग्राम के ऊपर भी आपने नजर रखनी है। इस पुट्टी को आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, छोटा बड़ा, ताकि आपको काम करने में आसानी हो। तो ये राउटर नंबर वन, राउटर नंबर वन के गिग 0/2, गिग 0/2 कौन सा इंटरफेस है, ये वाला, इसके ऊपर हमें आईपी कॉन्फ़िगर करना है। तो क्या बताया हमने डायग्राम इस वर्कबुक के अंदर, कि आपने इंटरफेस का नाम लिखना है, इंटरफेस, इंटरफेस INTER इंटरफेस। अगर आप क्या करते हैं INT लिखते हैं और टैब का बटन दबाते हैं तो स्पेलिंग ऑटोमेटिक राउटर ले लेता है। इंटरफेस गिग 0/2, हमने इंटरफेस का नाम लिखा, अब क्या करना है, यहाँ पर हमें आईपी कॉन्फ़िगर करना है। आईपी एड्रेस 172.16.17.16.1.254, और उसका सबनेट मास्क जो भी यहाँ पर मेंशन है 24 बिट और नोशेट। ये हमने एक इंटरफेस के ऊपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया। अब आपने दूसरे इंटरफेस के ऊपर आईपी कॉन्फ़िगर करना है, तो आपने इंटरफेस, कौन सा इंटरफेस, गिग 0/0, ये वाला इंटरफेस है, तो यहाँ पर लिखेंगे इंटरफेस गिग 0/0, गिग 0/0, और आईपी एड्रेस 12.1.1.1, और उसका सबनेट मास्क, कितने बिट का सबनेट मास्क है, 252, क्योंकि 30 बिट की मास्किंग है। एंटर और नो शर्ट, ठीक हो गया। और उसके बाद तीसरा इंटरफेस गिग 0/1, और उसके बाद फिर आईपी एड्रेस 192.168.1.100, ये वाला आईपी एड्रेस हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, और उसका सबनेट मास्क जो भी है हमारे पास, और नो शर्ट, ठीक हो गया। तो ये हमने आईपी कॉन्फ़िगर कर दी किसके ऊपर, राउटर नंबर वन के ऊपर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर एंड लिखना है, ENDE एंड, फिर क्या करना है हमने WRIT राइट, राइट कमांड क्यों चलाएंगे, ताकि हमारी राउटर की कॉन्फ़िगरेशन सेव हो जाए। उसके बाद स्क्रॉल करेंगे अपने वर्कबुक के ऊपर, उसके बाद लिखा हुआ है कॉन्फ़िगरिंग करने के बाद हमें वेरीफाई करनी है जो आईपी हमने कॉन्फ़िगर किए हैं क्या वो एक्सेप्ट हुए या नहीं हुए। उसके लिए हमने बताया कि राउटर के इस मोड पे, ये कौन सा मोड है, प्रिविलेज मोड है, ठीक है, इस मोड पे हमने कमांड चलानी है शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, यानी कि यहाँ पर कमांड चलानी है शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। यहाँ से आपको वेरीफाई करने हैं जो आईपी एड्रेस आपने कॉन्फ़िगर किए हैं क्या वो कॉन्फ़िगर हुए कि नहीं हुए, उनके लिंक अप है या डाउन है। तो हम देख रहे हैं कि इनका स्टेटस अप है, राइट। ये तीन आईपी हमने कॉन्फ़िगर कर दिए, ठीक हो गया। इसी तरह से राउटर नंबर टू की आईपी आप कॉन्फ़िगर करेंगे, राउटर नंबर टू पे फिर आप क्लिक करेंगे, ये राउटर नंबर टू पे आ गए। यहाँ पर भी आपने इनिशियली क्या करना है, नो प्रेस करना है, राइट। फिर आपने राउटर नंबर टू की आईपी कॉन्फ़िगर करने हैं, फिर आप उसको वेरीफाई करेंगे जो आईपी आपने अप्लाई किए हैं क्या वो एक्सेप्ट हुए या नहीं हुए। फिर राउटर नंबर थ्री को कॉन्फ़िगर करेंगे, राइट। और जब सारी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी तो उसके बाद हम पिंग करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट का मतलब होता है कि राउटर नंबर वन से बैठ के हम सामने वाले आईपी को पिंग करें, राउटर नंबर वन से बैठकर राउटर थ्री से पिंग करेंगे, थ्री हमें इस वाले आईपी को पिंग कर रहा है। तो ये पिंग रीचेबिलिटी हमारी होनी चाहिए आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करने के बाद, ये हमने टेस्ट करना है। उसके बाद हमारे पास ये हमने नेक्स्ट टास्क दिया है कि नोड वन, नोड वन कौन है, ये है नोड वन, ये है हमारे पास एक पीसी, एक वर्चुअल पीसी है। इस वर्चुअल पीसी के ऊपर आईपी डालने का थोड़ा सा मेथड अलग होता है, तो उस पर आईपी हम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखें ये हमारे पास वर्चुअल पीसी ओपन हो गया, इस पे ये वाला मोड आ गया, इस पे आईपी डालना चाहते हो तो आईपी डालने का तरीका, आईपी 172.16.1.1.24 बिट का मास्क, और उसके बाद जो गेटवे आप देना चाहते हो, गेटवे का आईपी एड्रेस 172.16.1.254, एंटर, ठीक है। और इस पीसी का आईपी को सेव करना चाहते हो तो SAVE सेव कमांड होती है, तो ये आप आईपी यहाँ पर असाइन करोगे, ठीक है। उसके बाद अब आपने स्टैटिक राउटिंग करना है। स्टैटिक राउटिंग क्यों करना पड़ रहा है, हमारा पर्पस ये है कि हमारे डायग्राम के अंदर जो ये दो ब्रांचेज हैं, ये वाला जो कंप्यूटर है, इस वाले कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल
तो आईपी डालने के बाद ही कम्युनिकेशन नहीं होगा, हमें राउटिंग करनी पड़ती है। तो राउटिंग में हम स्टैटिक राउट करना चाहते हैं, तो अब स्टैटिक राउटिंग का फॉर्मूला क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए। तो स्टैटिक राउटिंग का फॉर्मूला क्या है, स्टैटिक राउटिंग का फॉर्मूला ये रहा। आप क्या करेंगे, आईपी राउट लिखेंगे, उसके बाद जिस आईपी से आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं उसकी एनआईडी लिखेंगे, फिर उसका मास्क लिखेंगे, फिर नेक्स्ट होप इंटरफेस का आईपी एड्रेस आप लिखेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला है। राउटर नंबर 1 पे आपने करना हो तो ये आप कमांड चलाएंगे वहां पर, ठीक है। ऐसे ही राउटर नंबर 2 पे भी आप क्या करेंगे, अच्छा कॉन्फिगर करने के बाद अब आपको वेरीफाई करना है जो आपने राउटिंग की है राउटर नंबर 1 के ऊपर, तो वो किस तरह से डिस्प्ले होती है। तो उसके लिए आप कमांड चलाएंगे स्वाइप राउट राउटर नंबर 1 के ऊपर। जब स्वाइप राउट चलाएंगे तो यहाँ पर जो एस लिखा हुआ आएगा, इस एस का मतलब होता है स्टैटिक, और एस के सामने जो आईपी एड्रेस नजर आ रहा है ये आईपी नहीं है, ये डेस्टिनेशन की एनआईडी है, जिस एनआईडी से आप कम्युनिकेट करना चाहते हो। ये 24 जो है ये डेस्टिनेशन का सबनेट मास्क है, ब्रैकेट में 1 और 0 लिखा हुआ आएगा। 1 जो होता है ये एडी कहलाती है, 0 जो होता है मैट्रिक कहलाती है। वाया के बाद जो आईपी एड्रेस नजर आ रहा है इसको हम नेक्स्ट होप इंटरफेस आईपी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह एक सारे मैंने वर्कबुक के अंदर स्क्रीनशॉट दिए हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो, समझ सकें आप कि किस तरह से हमें लैब करनी है और उसकी आउटपुट को हमें रीड आउट करना है। जब ये स्टैटिक राउटिंग हो जाएगी, अब आप डिफॉल्ट राउट अप्लाई करना चाहते हैं तो डिफॉल्ट राउट अप्लाई कर सकते हैं। अब मैंने बोला यहाँ पे कि बिफोर अप्लाई द डिफॉल्ट राउट रिमूव स्टैटिक राउट फ्रॉम R1, तो R1 से पहले क्या करना है आपने, सारे स्टैटिक राउट रिमूव करने। अब रिमूव कैसे करने ये करने नहीं आते, तो ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या, वैसे ही रूट जैसे हमने लिखा था वैसे ही लिखना है, बट उसके आगे नो लगा देना है। तो क्या होगा, जो आपका स्टैटिक राउट है वो रिमूव हो जाएगा। जब वो रिमूव हो जाएगा तो राउटर नंबर 1 या उसका पीसी नोड 1 ये किसी भी आईपी से कम्युनिकेट नहीं करेगा। तो हमें क्या करना है, फिर यहाँ पर अब डिफॉल्ट राउट अप्लाई करना है। इस तरह से हम डिफॉल्ट राउट अप्लाई करेंगे। जब डिफॉल्ट राउट अप्लाई कर देंगे तो उसकी आउटपुट हमें कुछ इस तरह से डिस्प्ले होगी, राइट। यहाँ पर ऐसा स्टार नजर आएगा, ये गेटवे सेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम कनेक्टिविटी चेक कर सकते हैं, पिंग कर सकते हैं, नोड 1 से नोड 2, नोड 1 से नोड 2 से नोड 1 के बीच में सारी कनेक्टिविटी हो जाएगी। होस्ट आउट करना हो तो होस्ट आउट हम कॉन्फिगर कर सकते हैं। उसके अलावा हमें RIP कॉन्फिगर करना है तो हम RIP कॉन्फिगर कर सकते हैं। RIP का ये फॉर्मूला है, RIP जब इम्प्लीमेंट कर देंगे तो उसकी आउटपुट कैसे आने वाली है, RIP कैसे कॉन्फिगर होगा, ऐसे कॉन्फिगर होगा, ठीक है। सभी राउटर के ऊपर जब आउटपुट आएगी तो कुछ हमारी इस तरह से आउटपुट आएगी, यहाँ पर हमने सब चीज़ें मेंशन की हुई है। उसके बाद जब OSPF करना होगा तो OSPF हम कॉन्फिगर कर सकते हैं। OSPF करने का क्या फॉर्मूला होगा, ये उसका फॉर्मूला है। अब राउटर नंबर 1 पे मुझे OSPF कॉन्फिगर करना होगा तो ये फॉर्मूला है, राउटर OSP1, राउटर आईडी 1.1.1 और नेटवर्क आईडी, वाइल्ड कार्ड मास्क और एरिया आईडी, ठीक है। ये डायग्राम हमने यहाँ पर बनाया है कि हम क्या करेंगे, इसको एरिया 1 के अंदर रखेंगे जब OSPF करेंगे, तो इसको हम एरिया 0 में रखेंगे इतने पोर्शन को, इतने पोर्शन को हम एरिया 2 में रखेंगे। OSPF जब कॉन्फिगर हो जाएगा सभी राउटर्स के ऊपर, तो हम चेक करेंगे शो आईपी OSPF नेबर, नेबरशिप बननी चाहिए। राउटर नंबर 1 की नेबरशिप किससे बनेगी, राउटर नंबर 3 से बनेगी। तो इस टाइप से कुछ यहाँ पर आउटपुट हमें आनी चाहिए, ठीक है। नेबरशिप वेरीफाई करने के बाद हम राउटिंग टेबल को वेरीफाई करेंगे। राउटर नंबर 1 के ऊपर कमांड चलाएंगे शो आईपी राउट OSPF, तो राउटर नंबर 1 के ऊपर ये 2 रूट आने चाहिए, 23 का रूट आएगा, ये वाला रूट आएगा, और ये 172.16.2 डॉट वाला रूट आएगा, ठीक है। एक ओ से आएगा, एक OIA से आएगा, ठीक है। तो उसके बाद कुछ और कमांड चलाएंगे शो आई प्रोटोकॉल, ये मेंशन करेगा कि भाई आपने कौन सी प्रोसेस आईडी कॉन्फिगर की है, राउटर का आईडी क्या है, राउटर आपका एरिया बॉर्डर राउटर है या ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर है, कौन कौन से नेटवर्क आपने एडवर्टाइज किए, राइट। उसके बाद आप कनेक्टिविटी चेक करेंगे, नोड 1 नोड 2 आपस में पिंग हो रहा होगा। उसके बाद EIGRP लगाना चाहते हो तो आपने पहले OSPF को रिमूव करना पड़ेगा। OSPF को रिमूव करने का तरीका क्या है, ये कमांड है OSPF रिमूव करने की, ये तीनों राउटर पे आपने चलानी है। फिर आप यहाँ पर EIGRP कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ये EIGRP का आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, राइट। तो इसी तरह से पूरा ये वर्कबुक है जो हर एक टास्क के लिए मैंने बनाई है। जो भी टास्क मैंने यहाँ 23 टास्क मेंशन किए हैं, BGP आपने कॉन्फ़िगर करना है, आपने ACL लगानी है, ठीक है। तो सारी चीज़ें हैं, BGP करना है, EBGP करना है, तो कॉन्फ़िगरेशन भी है और उनकी आउटपुट भी मैंने यहाँ पर दी है ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक हो गया। ACL करनी है तो ACL के ऊपर हम इतना डायग्राम यूज करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का क्या टास्क करेंगे इसके लिए, ये सारे टास्क हमने लिखे हुए हैं। हम क्या चाहते हैं, कौन से पीसी को किस पीसी से हम ब्लॉक करना चाहते हैं, तो इस सब तरह के टास्क यहाँ पर हैं। और ACL के बाद आई थिंक हमारा वेन शुरू हो जाएगा, ये ACL चल रहा है। ACL की आउटपुट वगैरह हम देख रहे हैं कि किस तरह से हम पॉलिसी को लगाएंगे, फिर कमांड चलाएंगे शो एक्सेस लिस्ट, ठीक हो गया। तो यहाँ पर कैसे कैसे वो आपको दिखाएगा और सब चीज़ें मैंने लिखी हैं क्या करना है आपने, ठीक है। फिर नेटिंग शुरू हो जाएगी, नेटिंग कैसे करनी है, कौन से राउटर पर नेटिंग करनी है, ठीक है। बिफोर कॉन्फिगरिंग दी नेट रिमूव ऑल कॉन्फिगरेशन एक्सेप्ट आईपी एड्रेस, सब कुछ रिमूव कर देना है, सिर्फ आईपी एड्रेस पड़े रहना चाहिए हमारी लैब के ऊपर। उसके बाद हम नेटिंग शुरू करेंगे,
ठीक है। तो नेटिंग करने से पहले हमारी कनेक्ट रीचेबिलिटी बनाएंगे, कनेक्टिविटी करेंगे, जब सारी कनेक्टिविटी हो जाएगी फिर हम नेटिंग वेटिंग यहाँ पर करना शुरू करेंगे, ठीक है। नेटिंग शुरू करेंगे यहाँ से, ये नेटिंग की यहाँ पर कमांड शुरू हो जाएंगी, बिफोर नेटिंग नोड वन एंड नेट टू नोट एबल टू पिंग, ठीक है। तो ये नोड वन और नोड टू एडिट को पिंग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना है, हमें नेटिंग करनी है। नेटिंग करने की क्या कुछ कमांड्स होती हैं इस टाइप से, ये कुछ कमांड चलाएंगे तो नेटिंग हो जाएगी, जब नेटिंग हो जाएगी तो नेट टेबल बन जाएगी और इस तरह की कुछ आउटपुट आएगी, राइट। तो ये लैब है विद वर्कबुक के साथ, आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं रिजनेबल प्राइस के ऊपर, सिर्फ 1000 है वन मंथ के लिए, ठीक है। आपको अपने रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं है कि आप लैब कैसे भी डिज़ाइन करेंगे, कहाँ पर करेंगे, क्योंकि इन सब लैब को डिज़ाइन करने के लिए बेसिकली आपके सिस्टम के हाई एंड रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, ठीक है। सर्वर्स चाहिए होते हैं बेसिकली। तो आई होप आपको ये लैब का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और उसके बाद जब आपकी लैब कॉन्फिगर हो जाएगी तो आप यहाँ पर अगेन जाएंगे और आप सभी डिवाइस को क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे। और स्टॉप करने के बाद आप क्या करेंगे, स्टॉप हो गया उसके बाद आप सिंपल सा क्लोज कर दीजिए, कोई मसला नहीं है। आई होप आपको समझ आया होगा किस तरह से हम लैब परफॉर्म करेंगे। थैंक यू मच।